करने के बाद गोविंद देव जी में दर्शन किए और इसके बाद वो सीधे एसएमएस अस्पताल पहुंचे और वहां जाकर अपनी माता जी के कुशल क्षेम जानी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं सीएम भजनलाल जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद सीधे गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे और वहां पर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ उनके द्वारा वहां पर किया गया। सीएम भजनलाल को आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद वो सीधे गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम ने वहां पूजा अर्चना की। देशभर में आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान की शुरुआत हो गई है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी जारी है। वहीं सीएम ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद वो गोविंद देव जी के मंदिर में पहुंचे जहां उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना वहां पर की। पूजा अर्चना करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा गोविंद देव जी के दर्शन किए।